देखिए वहां पे प्ले कर रहा है। ऐसे ही मारना है जी। और ये उसके अंदर आलसील है, मतलब फ्री नहीं घूम रहा है और कुछ भी इसमें वाइब्रेशन नहीं हो रहा है। तो देखते हैं जी पूरा ड्रेन होने के बाद कितना निकलता है। ओके जी, तो यहाँ पे इसका वायरिंग रिप्लेसमेंट हो चुका है, इसका लाइट। तो ये सिंबल कैसे किया जाता है वो तो बेंड हो गया है, जिसके कारण ये जब भी रफ रोड में जा रहा है या हाचकी में पड़ रहा है तो खटक खटक ऐसा यहाँ पे साउंड आ रहा है। इसको पॉलिश कर देंगे डीजल और इंजन ऑयल मिक्स करके, दोनों में अच्छे से ग्रीस को लुप्लीकेट सब करेंगे। हेलो जी नमस्कार, मैं अनुज बेंगलोर इंडिया से। एक्चुअली इस गाड़ी हमारे पास आ चुकी है ओमनी, मारुति का ओमनी वैन, बस मारुति वैन आ चुकी है। और इसमें हो क्या रहा, अधिकांश आदमी को होता है कि जब भी हम गाड़ी को ड्राइव करते हैं ना, कुछ गुड़ुक मुड़ुक कर गुर साउंड आ रहा है, मतलब चलाने का इच्छा ही नहीं करता है कि गाड़ी में। ये गाड़ी में ज़्यादा अधिकांश क्या होता है, ब्रेक फेल हो जाता है, नहीं तो गड्ढा में साउंड आ जाता है, नहीं तो सस्पेंशन में साउंड आ जाता है, नहीं तो स्टार ज्वाइंट चला जाता है, आगे का स्टेयरिंग का चासी के ऊपर ब्लैक कलर का बूस्ट होता है वो चला जाता है। तो ये वीडियो में इस गाड़ी को हम पूरा इसमें सॉर्ट आउट करके बताऊँगा कि आखिर इस तरह का प्रॉब्लम आपके गाड़ी में आता है तो क्या क्या गया रहता है, कितना खर्च होता है और कैसे चेक करने का इसका प्रोसीजर है। ठीक है, उनका बेल आइकन बटन है उसको प्रेस करके लाइक बटन एंड शेयर बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि इस तरह का रिलेटेड वीडियो सबसे पहले आपके पास जाए। तो हम चेक करेंगे कि इसमें क्या क्या गया है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके छोटू इसको नचाओ जरा, मैं अंदर जाता हूँ। तो यही है गाड़ी का स्टार ज्वाइंट जिसमें कनेक्ट होता है, इसको हम लोग गड्ढा बोलते हैं, डिफरेंसर बोलते हैं। तो आखिर डिफरेंसर में अंदर प्रॉब्लम क्या है उसको हम खोलेंगे जानेंगे, लेकिन उससे पहले इसका फॉल्ट दिखाता हूँ कि इस गाड़ी में आखिर फॉल्ट हो क्या रहा है। छोटू बिन नचाओ जरा, देखिए यहाँ पे बिन नच रहा है। और एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, अब यहाँ पे ज्वाइंट लगा हुआ है, नचाओ छोटू और हम चुपचाप हो जाता है, आप लोग साउंड सुनिएगा। बस बस ओके जी, तो यहाँ इसमें साउंड आ रहा है, इतना गंदा साउंड आ रहा है, घर घर कर रहा है, आपको अच्छे से क्लियर साउंड नहीं सुना रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ तो आप भरोसा करिए और इस गड्ढा को हम खोलते हैं। और मैं आगे आ चुका हूँ, यहाँ पे स्टीयरिंग बॉक्स लगा होता है, स्टीयरिंग बॉक्स के पास चेक करेंगे कि फॉल्ट कहाँ पे है। इसी वाला है फॉल्ट, ये जो है ना इसके अंदर का बूस्ट लीक हो जाने की वजह से गुड़मुड़ साउंड आता है स्टीयरिंग के पास। ठीक है, और स्टीयरिंग ज़्यादा प्ले हो जाता है, मतलब घुमाते हैं इतना घूमता है, इतना ज़्यादा इसमें प्ले हो जाता है, तो अभी चलाने में मज़ा नहीं आता है। इसको भी अभी चेक करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। छोटू इधर आ जाओ जरा, अभी आपको एक छोटा सा यहाँ पे दिखाता हूँ जी। बिल तो खोल दिया हूँ फिर भी प्ले होगा, छोटू करो प्ले, देखिए वहाँ पे प्ले कर रहा है और सेम यही प्ले यहाँ हो रहा है। देखिए यहाँ से देखिए, छोटू करिए, देखिए कैसे ऊपर नीचे हो रहा है ये वाला। ओके जी, तो आपको यहाँ पर प्रॉब्लम दिखा दिया, पीछे की इसमें एक्सल जिसमें फिट होता है डिफरेंसर में, गड्ढा जिसको बोलते हैं हम लोग, आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और इस साइड में आपको दिखाया है स्टीयरिंग बॉक्स में जो सेंटर में लगा हुआ था चासी के ऊपर बुश, उसमें ऐसे ऐसे ऊपर नीचे प्ले हो रहा है। तो इसको भी शॉर्ट आउट करके क्लियर करूँगा कि प्रॉब्लम कहाँ पर है, खोलने का इसका प्रोसीजर क्या है और पीछे का खोलने का प्रोसीजर क्या है, वो सब भी आपको दिखाऊंगा। चलिए सबसे पहले बिल को रिमूव करते हैं। यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या फेस करते हैं पता है जी, अभी हम ड्रम खोल दिए, इसके पीछे का चार नट बोल्ट खोल दिए एक्सल का, फिर भी ये एक्सल नहीं निकलता है, ये जाम हो जाता है। हम लोग इस पर कितना भी हथौड़ी से ऐसे टाइप करूँगा ना, फिर भी ये नहीं निकलता है। इसमें क्या करते हैं, व्हील को फोल्डिंग फंसाता हूँ थोड़ा, दो नट टाइट करके फिर व्हील के ऊपर मारूंगा, ये कैसे निकलता है आपको दिखाता जी। ओके जी, तो यहाँ पे निकल गया, आपको दिखाता हूँ, ये पूरा बाहर निकल गया है। व्हील खोलता हूँ जी, देखिए जी थोड़ा तकलीफ करता है, ये जो वायरिंग है ना ये सेम उसी साइज का देता है, इसलिए उसमें थोड़ा पकड़ लेता है। निकालते हैं जी, उसके अंदर आयल सील है, देखिए जी यही रहा इस गाड़ी का बैक साइड का एक्सल। एक बार यहाँ पे डाउट क्लियर करेंगे क्या जी, पता है ये व्हील बेयरिंग का शायद हो सके कहूँ यही गया रहेगा, डिफरेंसर सही रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी आपके सामने चेक कराता हूँ,
ये बेयरिंग देखिए कितना नया जैसा है, मतलब फ्री नहीं घूम रहा है और कुछ भी इसमें वाइब्रेशन नहीं हो रहा है, तो ये बेयरिंग बिल्कुल टकाटक है। छोटू इसके साइड में रखो, यहाँ पे देख लेंगे जी ऑयल सील का कंडीशन क्या है जी। ऑयल सील सब कुछ यहाँ पे बराबर है जी। इसके अंदर देखिए जी, यहाँ पे देखिए जी, जो इसके अंदर का क्रोम पिनियन होता है जो बोल रहा हूँ डिफरेंसर, उसमें का बेयरिंग क्या रहेगा, या तो जो दांत होता है वो फूट गया रहेगा। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर ऑयल ही नहीं है। अभी लड़का यहाँ पे इसका ऑयल ड्रेन कर रहा है, लेकिन यहाँ से जब एक्सल निकाल दिया जाता है ना, तो यहाँ से ऑयल बाहर आता है, पर वो नहीं आया जी। इसलिए हम डाउट कर सकते हैं जी, बिना ऑयल के गाड़ी चला है, इसी के लिए यहाँ पे क्रोम पिनियन जाम हो गया रहेगा, या तो वायरिंग गिर रहेगा। यहाँ पे खोलता है, देखते हैं इसके अंदर से ऑयल कितना आता है जी। देखते हैं जी पूरा ड्रेन होने के बाद कितना निकलता है। दोनों एक्सल खोल के बाहर निकाल दिया जी। यहाँ पे दोनों का बेयरिंग काफ़ी हद तक अच्छा है, अभी चलेगा, ख़राब नहीं हुआ है। तो इसको साइड में करते, इसको कुछ नहीं करना है। लाओ छोटू थोड़ा ऑयल देखेंगे कितना है क्या है। ये देखिए जी, यहाँ पे हाफ लीटर ही निकला है जी, एक लीटर इसमें रहता है जी। और इसके अंदर आपको देखिए एक चीज़ चमकता होगा, ये दिख रहा है यहाँ पे, चमक रहा है ना, इसी में देखिए, हमारा हाथ तो ब्लैक नहीं दिख पाएगा, इसी में देखिए कोई वायरिंग या कुछ तो डैमेज है गड्ढा में, जो यहाँ पे लाइट दे रहा है, चमक रहा है। इसीलिए बार बार बोलता हूँ, वो इंजन हो या डिफरेंसर हो या जहाँ जहाँ इंजन ऑयल आता है, जोन सा ऑयल आता है, उसमें ऑयल मेंटेनेंस करना है। नहीं तो एक ऑयल का मेंटेनेंस नहीं करेंगे ना, तो यही प्रॉब्लम होगा। देखिए एक ऑयल की वजह से यहाँ पे इसका गड्ढा चला गया, डिफरेंसर में प्रॉब्लम आ चुका है, अब ज़्यादा खर्चा होगा, तो फिर पछताने से क्या फ़ायदा, जब चिड़िया चुग गई खेत। ज्वाइंट खोल के यहाँ पे साइड में डाल दिए जी। अभी यहाँ पे जो मेन है डिफरेंसर, गड्ढा जिसको बोलते हैं, उसको सब बोल्ट को छोटू हमारा लूज कर रहा है। छोटू कितना देर में खुल जाएगा? 10 मिनट। गड्ढा निकालने का सबसे इजी तरीका है, थोड़ा हथौड़ी से टैप करना पड़ेगा, कम इसमें बहुत हार्ड पकड़ के रहता है, देखेंगे इसके अंदर प्रॉब्लम। ओके जी, तो यहाँ पे गड्ढा आ चुका है, इसमें चेक करते हैं कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ है। देखेंगे एक एक स्टेप अंदर नचा नचा के, इसको पहले नचाते हैं छोटा वाला दांत के, देखेंगे जैसे ही कुछ दिखेगा मैं आपको बताऊंगा। इसमें कुछ नहीं है जी, ये बड़ा वाला दांत में देखेंगे एक बार ना, ये बड़ा वाला में एक बार देखेंगे। इसमें भी कुछ नहीं है, गया रहेगा शायद इसका बेयरिंग, क्योंकि बेयरिंग का ही साउंड आ रहा था और बेयरिंग ही गया रहेगा। तो हम ओके जी, तो हम लोग चलिए इसको पीस पीस करता हूँ और देखता हूँ आखिर इसमें प्रॉब्लम आए कहाँ। इसको खोलता हूँ पूरा, अगर अभी चलिए इसको निकालते हैं और देखेंगे भाई। इसमें थ्रेड जैसा दिया हुआ है देखिए, कि इधर उधर कहीं पर भागना नहीं, जाना नहीं, निकलना नहीं, देखिए थ्रेड जैसा बनाया है। ओके जी, तो यहाँ पे पूरा को देखिए पीस पीस कर दिए हैं, ये इसमें थ्रेडिंग टाइप देता है ताकि इधर उधर हिले नहीं। ये इसका कोर है स्लीव, और इसके अंदर ये वायरिंग आता है, ये वायरिंग में काफ़ी प्ले हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए प्ले, इसमें साउंड है लाइट से। इस साइड देखेंगे जी, नीचे तो चेक कर लिए, ये ऊपर का चेक करेंगे, इसमें भी प्ले है, थोड़ा मोड़ा प्ले चलता है, और इसके अंदर साउंड। तो ओके जी, हम इसको भी सॉर्ट आउट किए, इसको भी सॉर्ट आउट किए, इसमें प्रॉब्लम ज़्यादा तो नहीं है, थोड़ा लाइट से प्ले है, लेकिन प्ले रहता ही है, क्योंकि ये निडल्स वाला बैरिंग है। बैरिंग गया कहाँ है, तो ये वाला, मैंने फर्स्ट में भी आपको बताया कि ये ख़राब हो चुका है, इसमें साउंड आ रहा है। हम आपको कैसे साउंड इसमें सुनाऊँ, देखिए मैं इसके सहारे इसका साउंड का पता लगा रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, इसमें टच कर दे रहा हूँ, ये मैग्नेट रॉड है, और इसको अपने कान में लगा, आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, इसमें ऐसे टच है और उसमें लगाया हूँ, और जब भी इसको मैं यहाँ पे घुमाऊंगा ना, वहाँ पे उसको वाइब्रेशन लगेगा। लग रहा है छोटू, पक्का लग रहा है ना? आप लोग, हम बोल रहा हूँ तो कुछ समझिए, भरोसा करिए मेरे भाई, क्योंकि इसी में फॉल्ट है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। इसी को आपको दिखा रहा हूँ कि ये क्रोन पिनियन का जो यहाँ पे मेन है, जिसमें स्टार ज्वाइंट को टाइट किया जाता है, उसके अंदर का वायरिंग वीक है, इसी का साउंड आ रहा था, हमिंग साउंड। तो चलिए अब क्या करते हैं,
इसको भाई रिप्लेसमेंट करते हैं इसके अंदर का वायरिंग को, और फिर आपको दिखाते हैं कि इसका परफॉर्मेंस क्या है, कैसा काम कर रहा है। ओके जी, तो यहाँ पे इसका वायरिंग रिप्लेसमेंट हो चुका है। इसका लाइट देखिए, लाइट कितना मार रहा है वायरिंग, देखिए आपको नहीं दिखा पाया हूँ क्योंकि ये लेथ में वायरिंग इसका फ्रेश हुआ है, तो ये जो प्रॉब्लम है अब सॉल्व हो जाएगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि भाई बैरिंग गया है, बैरिंग गया था, बैरिंग हम लोगों ने रिप्लेसमेंट किया। अब बारी क्या है इसका असेंबल करने का, तो असेंबल कैसे किया जाता है वो तो आपको पता ही रहेगा, क्योंकि आप जब खोलेंगे तो आपको पता ही रहेगा कि कैसे असेंबल करना है। फिर भी मैं आपको एक ये वीडियो में दिखाऊँगा कि कैसे इसमें असेंबल किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले मैं ये डालूँगा। ओके जी, तो इसके हब में इसको लगा दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं, फ्री अभी नचा कर दिखाऊँगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो थ्रेडिंग वाला है, यहाँ से हम लोग गिन के ही डालेंगे 1 2 3। यहाँ पे 3 थ्रेड लॉक है, इस साइड भी दिखाऊंगा। 1 2 3 3 है, एक बाहर निकला है, इसमें भी एक बाहर निकला है। ओके जी, तो इसको ऊपर से ब्रैकेट डालते हैं दोनों साइड से, उसके बाद आपको इसको नचा कर दिखाऊंगा इसका परफॉर्मेंस कैसा है अभी। ओके जी, तो फाइनली इसको असेंबल कर दिया गया है, छोटा सा ब्रैकेट इसके ऊपर लगाएंगे। उससे पहले देखिए यहाँ पे नचा के दिखाता हूँ, छोटो उसको फिराओ। ओके जी, स्मूथ काम कर रहा है, कुछ भी साउंड नहीं है। जब आपको टाइट कर लीजिएगा, उससे पहले ये पिन जो है ना, ये पिन डालने से पहले क्या करना है, इसको फुल दबा कर 4 बोल्ट को लॉक करके, उसके बाद इसमें ये ऐसा सर्किल प्लायर लगा के और इसको भी टाइट करना है, जैसा कि इसमें थर्ड लॉक दिया बताया हूँ, इसको टाइट करना है जहाँ तक टाइट होता है, और उसके सामने ये जो होल मार्क दिख रहा है सामने रख के यहाँ पे पीस टाइट कर देना है। ठीक है, एकदम इजी है, इसको आप असेंबल करना, पीस करना, इस वीडियो के माध्यम से आप अच्छे से सीख जाएंगे, समझ जाएंगे। चलिए इसको गाड़ी में इंसर्ट करते हैं, फिर टेस्ट ड्राइव लेंगे कि आखिर प्रॉब्लम सॉल्व हुआ नहीं। तब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस ज़रूर कर दीजिए, थैंक यू। ओके जी, तो यहाँ पर डालने के लिए रेडी है। इसमें कुछ भी पैकिंग नहीं आता है, किसी किसी गाड़ी में पैकिंग दिया जाता है पर इसमें नहीं पैकिंग है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, गम थोड़ा मोटा ही आप यूज़ करना पड़ेगा। पैकिंग रहा तो कुछ टेंशन नहीं रहता है, लेकिन पैकिंग नहीं है तो यहाँ पे गम को थोड़ा मोटा ही डालना पड़ेगा। और इसका जो बोल्ट है 12 साइज का, यहाँ पे 8 देखिए, ये सब में मुझे क्या करना पड़ेगा, जो टेप्लन टेप होता है ये वाला स्मूथ प्लास्टिक रहता है, उसको इसमें लगाएंगे, ताकि ये क्यों लगाएंगे पहले समझ लेंगे। यहाँ पे जो आपको होल दिख रहा है ये बोल्ट डालने का, इधर से टाइट करते हैं ना तो इस इधर बैक साइड में भी निकल जाता है, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, लीकेज होने का संभावना अधिक हो जाता है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे ये टेप का यूज़ करूँगा, ताकि इसका थ्रेड लॉक कर देगा और इधर से उधर ऑयल को सर्कुलेशन होने से बचाएगा, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे इसका टेफ्लन टेप का। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इसमें गम देखिए ऐसे लगा रहा हूँ, पहले इसमें लगा लिया हूँ देखिए, उसके बाद इसमें अच्छे से लगा के उसको फिटिंग करेंगे। और उसमें राइट लेफ्ट भी देखा जाता है जो जॉइंट किस साइड में है, तो यहाँ पे इसको सेंटरिंग करके 1-2 बोल्ट को लगा लेंगे, उसके बाद देख लेंगे कि ये स्टेट में है या नहीं। इसके सामने जॉइंट और गियर बॉक्स सीधा स्टेट पर होना चाहिए। के अंदर हम लोग देख सकते हैं जो क्रोन पिनियन का यहाँ पे बैरिंग है वो साफ साफ पूरा दिख रहा है कि वो बिल्कुल स्टेट बीच में है, सेंटर में है। अब यहाँ पे इसको इंस्टॉल करेंगे, इसका जो एक्सल है, और इसमें भी ओलसिल हम लोगों ने नया लगा दिया, लीकेज नहीं था, फिर भी यहाँ पे नया ओलसिल को इंस्टॉल किए। और लगाने से पहले इसमें जो इसका वायरिंग है, वायरिंग में काफ़ी बाहर वाले एरिया में यहाँ पे रेस पकड़ लिया था, निकल नहीं रहा था, ये वाला हब जो है इसमें से नहीं निकल रहा था ये वाला, तो इसमें थोड़ा मैं स्मूथ एमरी से रफ़ कर लिया हूँ और स्मूथ हो गया है। और जहाँ पर ओलसिल लगा हुआ होता है उसमें भी ऑयल का लुब्रिकेशन ज़रूर करे, ताकि ओलसिल को कुछ मार नहीं पड़ता है नया ओलसिल डाल के। तो आइए इसको इंस्टॉल करते हैं इसके अंदर। तो इसका बूस निकाल रहा हूँ, इसका हालत देखिएगा कितना बड़ा बड़ा होल हो गया है इस साइड भी, ये देखिए इस साइड का दिखाता हूँ, दोनों में अच्छे से ग्रीस को लुब्रिकेशन करेंगे। पहले 2 बूस इसमें इंस्टॉल कर देंगे इसके अंदर, उसके बाद 2 बूस उसके अंदर डालना है। ओके जी, तो इस साइड में भी 2 बूस लगा दिए, इस साइड में भी 2 बूस लगा दिए, इसके ऊपर का ब्रैकेट डालते हैं। मारुति ओमनी का कटअप प्लेट है, इसमें हो क्या रहा है दिक्कत, साउंड आ रहा है रनिंग में। यहाँ पे देख सकते हैं इसका नट यहाँ पे है और इसका बोल्ट यहाँ पे, कितना डिफरेंट है, ऐसे हो गया है यहाँ पे बोल्ट,
देखिए इसके अंदर आप लोग देख के अनुमान लगा सकते हैं कि कितना बेंड हो गया है, जिसके कारण ये जब भी रफ रोड में जा रहा है या हाचकी में पड़ रहा है तो खटक खटक ऐसा यहाँ पे साउंड आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये बोल्ट को कट करके निकालेंगे और दूसरा बोल्ट को यहाँ पे रिप्लेसमेंट करेंगे, जिसके लिए मुझे दोनों से इसको दबाना पड़ेगा। ये चाप लगा के इसको चाप देंगे ना तो ये उड़ने का भागने का कोई दिक्कत नहीं रहेगा। तो ये नट स्लिप हो गया जी, इसको कट करना पड़ेगा। ओके जी, तो बोल्ट कट करके यहाँ पे एकदम जो इसका होल है वो बिल्कुल स्ट्रेट में है, उस समय क्या था तिरछा हो गया था। यही है बोल्ट, इसका हालत देख लीजिए कैसा हो गया है। ओके जी, तो यही था पे पूरा अच्छे से फाइनल हो चुका है। छोटू बिल डालो। बिल डालने के बाद इसको थोड़ा ड्राई होने के लिए छोड़ेंगे, 2-3 घंटा छोड़ेंगे ताकि वो अच्छे से ड्राई हो जाए डिफरेंसर में जो हम लोगों ने गम लगाया है। उसके बाद भाई 140 ग्रिट का अच्छा इसमें इसका ऑयल डालूंगा, तभी इसका परफॉर्मेंस तगड़ा रहेगा। तो चलिए इसको ड्राई होने के बाद इसमें ऑयल डालूंगा, वो भी आपको दिखाऊंगा। ओके जी, तो यहाँ पे पूरा ड्राई हो गया था उसका गम, और यहाँ पे हम लोग गियर बॉक्स ऑयल डाल रहे हैं 140, बिल्कुल यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल ब्रांड नया दिख रहा है। ओके जी, तो गाड़ी जा रहा है टेस्ट ड्राइव के लिए, उधर से आके चेकअप करेंगे, लीकेज है कि क्या है, पूछेंगे परफॉर्मेंस कैसा है। टोटल बॉडी मानना होता हो उसको पकड़ के रखिए,